देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में रविवार को ही भीषण अग्निकांड में मरने वाले लोगों में लगभग 30 लोग बिहार के हैं। इस अग्निकांड से बिहार के जो जिले प्रभावित हुए हैं उनमें समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अररिया और दरभंगा हैं। आपको बता दें कि रविवार की सुबह 5 बजे दिल्ली के एक 4 मंजिला अवैध फैक्ट्री में लगी आग से कुल 43 मजदूरों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के अनाज मंडी क्षेत्र में अगलगी की घटना में लोगों की हुई मौत पर मर्माहत हैं। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य रखने और शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में बिहार के मृतकों के परिजन को 1-1 लाख रुपए श्रम विभाग की तरफ से और 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। साथ ही घटना में बिहार के घायल लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा का दरभंगा में धरना खत्म हो गया। इससे पहले वो रविवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 5 साल की दुष्कर्म पीड़िता से मिलने गई थी। दुष्कर्म पीड़िता के इलाज में हो रही लापरवाही से नाराज होकर वो धरने पर बैठ गई थी। अस्पताल अधीक्षक के साथ सदर SDO ने DMCH पहुंचकर दिलमणि मिश्रा को धरना से उठाया। अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। वहीं DMCH प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए दिलमणि मिश्रा ने कहा कि DM से लेकर अस्पताल अधीक्षक का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक यात्री की रेलवे स्टेशन परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिवान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। रविवार को यात्री अपनी पत्नी के साथ काठगोदाम एक्सप्रेस से सिवान से कोलकाता जाने के लिए स्टेशन पर आया था। इसी दौरान ये घटना घटी। दंपत्ति प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक अपराधी आया और पिस्टल से सरेआम उसे गोली मार दी। गोली लगते ही युवक वहीं गिर गया। इस दौरान उसकी पत्नी चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। युवक का नाम फैजल लद्दी बताया जा रहा है, जो गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का रहने वाला है। इस घटना के बाद सिवान स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनावी अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता जुट गए हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बरही और बोकारो में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि राहुल गांधी बड़कागांव और रांची की खिजरी विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। PM मोदी का ये झारखंड में तीसरा चुनावी दौरा है। नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पलामू और गुमला और दूसरे चरण में खूंटी और जमशेदपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की थी, जबकि राहुल गांधी का ये दूसरा झारखंड दौरा है। इससे पहले राहुल ने 3 दिसंबर को सिमडेगा में चुनावी सभा की थी। तीसरे चरण के प्रत्याशियों के पास चुनाव प्रचार के लिए महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। मंगलवार शाम 5 बजे के बाद यहां चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में सोमवार को झारखंड में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज जुट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।